नमस्कार, मैं उपी, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में फैल रहे कोरोना को लेकर दिया बयान। चीन से निकले कोरोना ने इस समय में अमेरिका की परेशानी बढ़ा रखी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना के बढ़ते असर पर अपना बयान जारी कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने हाल ही में साफ तौर पर यह कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग पर नई गाइडलाइंस तय करने के लिए देश अब बेहतर स्थिति में है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना के खिलाफ जारी इस जद्दोजहद में आंकड़े बता रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हम कोरोना के नए मामलों के लिहाज से पीक यानी कि सबसे बुरे दौर को पार कर चुके। हमें आशा है कि हम अपने इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे और अच्छी प्रगति करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उक्त बातें डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से दी गई मीडिया ब्रीफिंग में कही है। वहीं अमेरिका में फैले कोरोना की बात करें तो पिछले 24 घंटे के भीतर लगभग 2600 लोगों ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, जो कि किसी भी देश में दुनिया को अलविदा कहने वालों के आंकड़े के मुकाबले सबसे ज्यादा है। केरल में काफी हद तक कोरोना को किया गया नियंत्रित। भारत में सबसे पहले कोरोना प्रभावित केरल में ही पाया गया था, जिसके बाद केरल में कोरोना से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी। वहीं एक समय ऐसा था जब केरल को भारत का हॉटस्पॉट इलाका माना जाने लगा था, मगर वहीं दूसरी तरफ केरल से एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसके तहत पिछले 24 घंटे में कोरोना का मात्र एक ही मरीज सामने आया है। इसी के साथ केरल को अब यह भी भरोसा हो गया है कि अब इस परीक्षा को पास कर सकता है। वहीं केरल में एक मामले की पुष्टि होने के बाद मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा है कि राज्य में अब कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या 387 हो गई है, जिसमें से सिर्फ 167 ही पॉजिटिव है, जिसका इलाज फिलहाल चल रहा है। बाकियों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मंत्री हर्षवर्धन ने की सभी लोगों से धैर्य और उम्मीद के साथ काम करने की अपील। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं राज्य कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 50 से अधिक नेताओं के साथ बातचीत की है, जहां पर उन्होंने कोविड-19 के मद्देनजर सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न राहत उपायों के बारे में उद्योग को जानकारी दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने बात करने के दौरान आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी जवाब दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अंधेरे के बादल में हमेशा उम्मीद की किरण भी होती है, इसलिए मौजूदा परिस्थिति में यह जरूरी है कि आत्मबल को ऊंचा रखा जाए ताकि हम इससे और आसानी से बाहर निकल सके। वहीं भारत में कोरोना बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार लगातार कोशिश कर रही है ताकि प्रभावित व्यक्तियों की बढ़ती संख्या को रोका जा सके। भारत में 2 कंपनियों ने शुरू किया रैपिड टेस्ट किट बनाने का काम। रैपिड टेस्ट किट की मदद से जहां पर मात्र आधे घंटे में कोरोना के टेस्ट का परिणाम आ जाता है, वहीं दूसरी तरफ इसे दूसरे देश से मंगवाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय 2 कंपनियों ने रैपिड टेस्ट किट को बनाने का काम शुरू कर दिया है। इन कंपनियों को फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरणों के लिए राष्ट्रीय नियामक निकाय केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने विनिर्माण लाइसेंस जारी कर दिया है। किसानों के लिए मौसम विभाग की ओर से आई अच्छी खबर। जहां एक तरफ कोरोना ने वर्तमान समय में सबकी परेशानी बढ़ा रखी है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। मौसम विभाग की माने तो जून से सितंबर के दौरान बारिश आने वाले दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के इस साल सामान्य रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसके तहत पिछले साल की तरह इस साल भी देश में मॉनसून सामान्य रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि मॉनसून का सामान्य होना सबसे ज्यादा फायदेमंद कृषि क्षेत्र के लिए होगा। वहीं हर साल दक्षिण पश्चिमी मॉनसून सामान्य तौर पर 1 जून को दक्षिण इलाके में देश में दस्तक देता है और 30 दिसंबर तक इसकी वापसी हो जाती है। हालांकि इस बार मॉनसून के आने और जाने का समय थोड़ा अलग रहेगा, मगर किसानों के लिए हितकारी होगा। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर कसा तंज। कोरोना के बढ़ते असर के बीच राजनीति भी जोर शोर से हो रही है। विपक्षी दल बार बार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने से बाज नहीं आते हैं। इसी क्रम में एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि देश में पर्याप्त अनाज मौजूद है, लेकिन फिर भी मौजूदा समय में लोग भूखे हैं। कोरोना की इस घड़ी में यह अमानवीय है, इसीलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह जल्द से जल्द जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें राशन कार्ड मुहैया करवाए। यह उन सभी के लिए है जो इस लॉकडाउन में भी अन्न की कमी से जूझ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राहुल गांधी ने उक्त बातें अपने ट्वीट के जरिए की है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी राहुल गांधी ने मिडिल ईस्ट में भारतीय श्रमिकों को वापस लाने की मांग की थी। SBI खाता धारकों के सेविंग अकाउंट्स पर अहम फैसला होगा लागू। अगर आप भी SBI कार्ड धारक है तो आपके लिए खबर कुछ खास है। कोरोना के बढ़ते असर के कारण पहले ही बैंक के बचत खाते से मिलने वाले ब्याज में कटौती करने का ऐलान जारी किया गया था, जो कि बीते दिन से प्रभावी हो गया है। इस ऐलान के साथ ही अब खाता धारक 0.25% कम ब्याज दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बैंक ने ATM कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है, जिसकी जानकारी SBI ने हाल ही में अपने वेबसाइट से भी जारी की है और कहा है कि अब से खाता धारकों को उनके बचत खाते में 2.75% ही ब्याज मिलेगा। इतना ही नहीं, बचत दर को कम करने के अपने फैसले पर बैंक ने यह भी कहा कि बैंकों के पास पर्याप्त नकदी होने की वजह से उससे बचत जमा ब्याज दर में 0.25% की कटौती करने का निर्णय लिया है। अगले हफ्तों से ऑनलाइन बाजार खुलने की जताई गई उम्मीद। ई कॉमर्स कंपनी
घर तक पहुंचाएगी हर सामान। लॉकडाउन से परेशान हो रहे लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनियों को काम करने की अनुमति दे दी है, जिसके तहत अभी ई कॉमर्स कंपनियां सामान बेचना शुरू कर सकती हैं। हालांकि सरकार ने साफ तौर पर सभी ई कॉमर्स कंपनियों को लॉकडाउन का पूरा पालन करने और होम डिलीवरी करने का निर्देश जारी किया है, यानी कि अगले हफ्ते से लॉकडाउन में मोबाइल फोन समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और जरूरी सामान की खरीदारी की जा सकेगी। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों ने इसकी शुरुआत कर दी है। कंपनियों का कहना है कि कपड़े और घरेलू सामान के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, लैपटॉप और मोबाइल फोन की बड़ी ऑनलाइन मांग अभी निकलेगी। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यह सुविधा हॉटस्पॉट इलाके में नहीं दी जाएगी, सिर्फ उन इलाकों में जहां पर कोरोना प्रभावित एक भी व्यक्ति नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ICMR के वैज्ञानिकों से सलाह के बाद बढ़ाया लॉकडाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन राष्ट्र का संबोधन करने के दौरान 3 मई तक बंद को बढ़ाने का ऐलान जारी किया था। वहीं ताजा रिपोर्ट की माने तो प्रधानमंत्री का यह फैसला ICMR के वैज्ञानिकों से सलाह के बाद लिया गया था, जिसके बाद कोरोना की इस परीक्षा को पार करने के लिए 21 वैज्ञानिकों की समिति का गठन किया गया था। वहीं टास्क फोर्स के सलाह मशवरे के बाद ही अहम फैसला लिया गया है। वहीं सरकारी सूत्रों की माने तो बीते महीने में टास्क फोर्स की 14 बैठक हुई थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिन 24 घंटे टास्क फोर्स से सीधे संपर्क के लिए उपलब्ध रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि कोरोना के बढ़ते प्रभाव पर खुद पैनी नजर बनाए हुए हैं, इसीलिए किसी अहम फैसले में उनकी उपस्थिति जरूर देखी गई है। वहीं इसी बीच सोशल मीडिया पर यह सुनने में आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों से सलाह लिए बिना ही बंद का फैसला लिया था, मगर अब इस पर PIB ने फैक्ट जारी कर इन खबरों को तथ्यहीन और निराधार बताया है। कोरोना पर संयुक्त राष्ट्र ने दिया अपना बयान। कोरोना के फैलते असर को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सिर्फ वैक्सीन ही अब दुनिया में हालत सामान्य कर सकती है, क्योंकि अब तक दुनिया में 20 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और इसको रोकने का कोई विकल्प नहीं सूझ रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कोरोना के मसले पर कहा है कि कोरोना की समस्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में अगर दुनिया वापस पटरी पर आती है तो वह एक वैक्सीन की वजह से ही हो सकता है, वरना अभी पूरी दुनिया को और भी बुरे दौर का सामना करना बाकी है। कोरोना की वजह से कांस फेस्टिवल नहीं होगा इस साल आयोजित। कोरोना के बढ़ते असर के कारण कई सारे आयोजन को इस साल स्थगित कर दिया गया है। वहीं अब इसकी चपेट में कांस फेस्टिवल को स्थगित करने का ऐलान जारी किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आयोजक ने यह भी साफ कहा है कि फेस्टिव कोरोना के कारण अपने मूल रूप में आगे नहीं बढ़ सकता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के बयान के बाद हमने स्वीकार किया है कि 73वें अंतर्राष्ट्रीय कांस फेस्टिवल महोत्सव को टालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है, जिससे पहले इसे जून के अंत में और जुलाई के शुरू में आयोजित करने पर विचार विमर्श किया गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अभी अभी यह भी कहा है कि महोत्सव को इस साल इसके मूल रूप में आयोजित करना स्पष्ट रूप से मुश्किल है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना की यह परिस्थिति भारत देश को आत्मनिर्भर बनने में कारगर साबित हो सकती है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।